और माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं अखिलेश भैया भी अब जग रहे हैं। अभी पूरा जगे नहीं है लेकिन जग रहे हैं। ये क्या जो न्योता दिए वो राम के रिश्तेदार हैं क्या कि उनके खून खानदान के कि उनके दर्द याद है। मोदी जी कितना मस्जिद का उद्घाटन के लिए, ये संविधान कहता है, संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री देश का मुख्यमंत्री घर द्वार तोड़वा के वहाँ मंदिर बनवाओ। जो मानसिक गुलाम जो मनवादी मानसिकता के पूर्ण रूप से अधीन होंगे वही जाएंगे वहाँ राम से मुक्ति मांगने। आज हमारे चैनल पर मिशन के पुरोधा आदरणीय श्रीमान राजकुमार यादव जी आए हुए हैं। सर हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सादर जय भीम। नमो बुद्धाय। साधुवाद। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है 22 जनवरी को, मगर सर अखिलेश यादव जी मीडिया के सामने बोले हैं कि जब राम श्री रामचंद्र जी जब बुलाएंगे तभी हमको जाना है, और वो संकेत भी दे दिए हैं कि हमको नहीं हम नहीं जाएंगे। तो क्या सर आगे चुनाव आने वाला है, क्या उसका असर उनके चुनाव पर पड़ सकता है क्या? क्या राम जी उनको वोट देंगे क्या? राम वोट केवल भाजपा को देते हैं, अखिलेश को क्यों राम वोट देंगे? नहीं सर 70% हिंदू रहते हैं सर। अरे यार भारत देश में बहुत लोग मानने वाले हैं, गिनते हैं केवल 70% जी, लेकिन अब वो भी धोखे से अब इस देश में 30% भी हिंदू नहीं रह जाएंगे। एक साल के बाद गणना करा लेना। मगर सर इस समय घर घर पे भगवा दिखाई दे रहा है सर। घर घर पर नहीं देता होगा, नहीं घर घर पर नहीं दिखाई देता होगा। कुछ ऐसे गुलाम हैं जी जिनको तर्क की क्षमता नहीं है, जो तर्कवादी नहीं है जी। सर लोग बता रहे हैं कि घर घर पे लगाया भी जा रहा है सर। हाँ तो तब भाई हम ही कहते हैं कि जबरदस्ती क्योंकि घर पर लगा था भैया एक दिन खातिर टांग ला तो लगाई जा सका ला, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अब समाज जग चुका है और माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं अखिलेश भैया भी अब जग रहे हैं। अभी पूरा जगे नहीं है लेकिन जग रहे हैं। और वो बहुत सही कहें कि जब राम का आदेश आएगा राम का न्योता आएगा, ये क्या जो न्योता दिए वो राम के रिश्तेदार हैं क्या कि उनके खून खानदान के कि उनके दर्द याद है। माननीय अखिलेश यादव जी अगर अयोध्या नहीं गए 22 तारीख को तो इनकी बड़ी महानता है। हम ये कह रहे हैं कि भारत में जमहूरियत है ना, डेमोक्रेसी है, भारत का संविधान समानतावादी संविधान है, मानवतावादी संविधान है, यहाँ सारे धर्मों को बराबर का सम्मान दिया गया है, यहाँ सब सर्वधर्म सम्मानपूर्ण संविधान है भारत का। मोदी जी कितना मस्जिद का उद्घाटन के लिए, मोदी जी तो संविधान की कसम लेकर के पीएम बने ना कि मैं जब तक कुर्सी पर रहूंगा इस पद पर संविधान के नियमों का पालन करूंगा। संविधान में यही है कि आप मंदिर बनवाओ, ये संविधान कहता है। संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री देश का मुख्यमंत्री घर द्वार तोड़वा के वहां मंदिर बनवाओ? ये क्या कर रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं ये कोई जान नहीं रहा है, ये अपराध कर रहे हैं नियम से। राजा सबका होता है। इस देश में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, सारे लोग हैं। मोदी मंदिर से प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में सारे लोगों ने वोट दिया होगा तब नए प्रधानमंत्री बने होंगे, तो सिर्फ एक आदमी का काम क्यों कर रहे हैं, केवल मंदिर की बात क्यों करते हैं? गए अजमेर में चादर चढ़ाया है बस उनका हो गया, कितनी मस्जिदों का उद्घाटन इन्होंने किया है। हम ये कह रहे हैं कि अगर वहां बाबरी मस्जिद रही जी अयोध्या में जी, तो बाबरी मस्जिद हटाए कि बाबरी मस्जिद के लिए हम अलग जमीन दे दे रहे हैं, तो राम मंदिर और उस मस्जिद की दोनों का उद्घाटन एक साथ क्यों नहीं किए?
देश में अगर समानता चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सद्भाव चाहते हैं, ये सभी प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों पक्ष को जी, दोनों पक्ष का सम्मान इनको रखना चाहिए था। इस देश में आजादी की लड़ाई मुसलमानों ने नहीं लड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोदी का बाबू जी लिख ले वही भारत के तिरंगे झंडे की जो डिजाइन की है मोदी परिवार के लोग कह ले कि आरएसएस परिवार का कह ले। भारत में अगर एक तहजीब रही है तो उस तहजीब के पीछे इस देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। इस देश की लड़ाई में मुसलमानों का बहुत बड़ा, बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। ये क्या किए हैं, जब इस देश में समानतावादी संविधान का मामला आया तो ये सारे लोग बाबा साहब अंबेडकर के विरुद्ध खड़े थे कि नहीं, भारत में समानतावादी संविधान नहीं चाहिए, क्योंकि समानतावादी संविधान अगर हुआ, समतावादी संविधान हुआ, भारत में भाईचारा अगर हुई तो हम मानव कुल में श्रेष्ठ नहीं रह जाएंगे। तो इस देश में बाबा साहब को संविधान समिति में पहुंचाने वाला देश का मुसलमान है। माता सावित्री बाई ने जब लड़ा आंदोलन किया शिक्षा के लिए कि इस देश के शोषित समाज को शिक्षित बनाना जरूरी है, तो ये लोग विरोध किए, लेकिन इसी देश की मुसलमान की बेटी माता फातिमा शेख, भाई उस्मान शेख साथ दिए, तब आज इस देश का जो बहुसंख्यक हिंदू बना घूम रहा है तब इनको शिक्षा मिली और बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया, तब इस शोषित समाज को एमपी एमएलए बनने का अधिकार मिला। लेकिन सब बन करके भी आज ये समाज गुलाम बना हुआ है, पार्टी कोई भी, मैं सारी पार्टी की बात कर रहा हूं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के मन पर कोई नेता बाबा साहब अंबेडकर की दहाड़ के बात करने की हैसियत आज तक पैदा नहीं कर पाया। बहुजन समाज की मुखिया बहन मायावती जी जब बात करती हैं तो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेती हैं, लेकिन उनके एमपी और एमएलए बाबा साहब अंबेडकर का नाम तब लेते हैं कि जब बाबा साहब अंबेडकर की जयंती में जाते हैं, किसी महापुरुष की जयंती में जाते हैं, किसी भी पॉलिटिकल मंच पर इन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर का नाम नहीं लिया। इसीलिए लोग कहते हैं कि बताइए आप बाबा साहब की गाते हैं, आप बहुजन समाज पार्टी में नहीं जाते हैं, मैं क्यों जाऊं, क्योंकि मैं बाबा साहब को मानता हूं, बाबा साहब की मानता हूं, मैं पार्टी की नहीं मानता, क्योंकि उसी पार्टी में हले हुए कुछ माल खींच रहे हैं और हमको चुतिया बना के बैठे हैं। मेरे लिए सिर्फ एक दल है, एक दल पर सिर्फ मैं काम करता हूं, भीम आर्मी में। भीम आर्मी में इसलिए काम करता हूं कि भीम आर्मी मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांत पर हमारे भाई चंद्रशेखर रावण लगातार संघर्ष करते हैं और वो बार बार कहते हैं कि हम सत्ता में रहें या न रहें, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमारा मजबूत हमको समाज चाहिए, हम अपने समाज को शोषित समाज बनकर के रहने नहीं देंगे, और ये समाज शोषित समाज तब तक तब नहीं रहेगा जब इस देश में 15 और 85 का मूल अधिकार होगा। यहां जो 15% है ये 60% ढकेल रहे हैं, जो 85% है 39% पा रहे हैं, वो भी इनका खत्म हो रहा है। ऐसे लड़ाई चलेगी, बहुजन के नाम से केवल लोग नेता बनेंगे। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सारे लोग जानते हैं, लड़ाई क्यों नहीं करते इस पर, लड़ते 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 49% पर 85% पहुंचा, उसके बाद भी 15% 50% पर था, ओकरे बाद ये सभी प्रधानमंत्री आए 10% काट के वो कहे गरीब ब्राह्मणों के लिए, फिर हम कहां आ गए 85% वाले, फिर आ गए हम 39% पर, और वो कहां पहुंच गए,
60% पर, 61% पर। नेता इस बात को क्यों नहीं कहते मंच पर? खाली वोट चाहिए बेवकूफ बना के लोगों को। हम नेता इसलिए बनाते हैं, नेता इसलिए चुनते हैं कि हमारे हक अधिकार की बात करेंगे, हमारे हक अधिकार की आवाज बनेगी। लेकिन नेताओं की ये क्वालिटी बन गई है कि वो जीत गए, विधानसभा में पहुंच गए, लोकसभा में पहुंच गए, बस वहीं अब वो अपना पेट भरने के चक्कर में है। कुछ तो ये बहाना करेंगे कि हम सरकार के बाहर हैं, कुछ ये बहाना करेंगे कि हमने आपकी बात को सरकार में रख दिया है। भाई सरकार माने ना माने, क्योंकि अब तो जीत चुके हैं, 5 साल मलाई काटेंगे। इसी देश में नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने जीवन में कभी चुनाव हारे ही नहीं, ये उनके जीवन का रिकॉर्ड रहा। चुनाव नहीं हारे, और इसलिए नहीं हारे कि नेताजी समाज के साथ ईमानदारी से काम कर रहे थे। इसी देश में बहन मायावती जी जिस सीट से चुनाव लड़ी है वो चुनाव जीती हैं, इसलिए जीती हैं कि जनता को एक भरोसा है कि इस देश में शोषित समाज की लड़ाई बहन जी से बेहतर नहीं लड़ेगा कोई। लेकिन बाकी लोग अपना विश्वास खो दिए। हमारे आजमगढ़ में एक विधायक जी हैं दुर्गा प्रसाद यादव जी, 9 बार एमएलए हुए, 1 बार नहीं हारे। पहली बार निर्दल हुए थे, उसके बाद आज तक के मिल रहे हैं, नहीं हारे। इसलिए नहीं हारे कि लगातार समाज के लिए काम करते हैं। समाज खातिर काम ना करवा, समाज तुम्हारे बाप का गुलाम हो। एक बार वोट ले लिए चले गए, फिर कह रहे हो कि हम सरकार के बाहर हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही, इससे काम चलेगा? आपने लड़ा कितना पहले ये बताइए। तो माननीय अखिलेश यादव जी अगर अयोध्या नहीं गए तो सतबुद्धि मैं जानता हूं कि उनको आ गई। इसके पहले भी मैंने ये कादर किया था इनका, जब इन्होंने कहा था कि जहां लाल कपड़ा है और एक पत्थर रख दो वहीं भगवान पैदा हो जाते हैं, तो समय भी ये सब नाच रहे थे रोड पर, पुतला दहन कर रहे थे, उस समय भी मैंने बड़ी डंका की चोट पर इनका सपोर्ट किया था कि सही बोलने की हैसियत माननीय अखिलेश यादव जी में है और शिक्षा को इन्होंने सार्थक किया। जी सर, यही समाजवादी पार्टी में एक कोई प्रताप सिंह है, वो बोल रहे हैं कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीजेपी की बात कर रहे हैं। वो तो कहबे करिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो बोल रहे हैं कि हम नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पास इतिहास बताने की राज नेता ये सब नहीं करते, ये समाज सेवक जो व्यक्ति वो करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कई बार मंत्री रहे, एमएलए रहे, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्या जी बोल रहे हैं वो उनकी सद्बुद्धि बोल रही है। अब स्वामी प्रसाद दिल और दिमाग से आजाद हैं। जी सर, आजाद ये किसी विचारधारा के गुलाम अब नहीं है। जी सर, नहीं है, मगर सबसे पहले आदमी कोई परिवर्तन करता है तो अपने परिवार से शुरुआत करता है। उनकी बीजेपी, उनकी लड़की जो संघ मित्रा कोई है, बीजेपी के सांसद हैं, वो पूजा अर्चना करती हैं, मगर ये कहते हैं कि हिंदू एक धोखा है, क्यों अपनी बेटी को नहीं समझा? अब देखिए, वो देखिए समझाना, समझा तो पूरा देश को रहे हैं। जो आदमी पूरे देश को समझाता अपनी बेटी को, अपनी औरत को, अपने परिवार को नहीं समझा पाता है। ललई यादव का नाम सुने हैं? ललई यादव की पत्नी इनके खिलाफ थी, बहन इनके खिलाफ थी, भाई इनके खिलाफ थे, पिता इनके खिलाफ थे, लेकिन ललई यादव जी अपने मोमेंट को, अपने इस वैचारिक क्रांति को कमजोर नहीं होने दिए और कहे देवी देवताओं का पूरा पोल खोल करके रखूंगा। उस समय तो कोई साथ नहीं दिया, लेकिन जब ललई यादव की तरफ पूरा देश खड़ा हुआ कि नहीं जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो सारे लोग उनको देवता की तरह पूजने लगे। आज स्थिति ये है कि वो पूरा गांव, उनकी पूरी खानदान का सम्मान बढ़ गया सिर्फ ललई यादव के नाम से। कोई ये कह दे कि हम ललई यादव के गांव के हैं, कानपुर देहात क्षेत्र में, उधर कहीं कह दे कि हम ललई यादव के गांव के हैं, तो उस आदमी का कद ऊंचा हो जाता है कि अरे ललई यादव गांव के हैं। कोई ये कह दे कि हम ललई यादव के खानदान के हैं,
तो उस आदमी का समाज में सबसे बड़ा सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन ललई अपनी विचारधारा की जब शुरुआत किए तो सारे लोग उनके विरोध में थे। ईमानदारी की लड़ाई जब वैचारिक लड़ाई शुरू होती है, ज्योतिबाराव फूले जी जब लड़ रहे थे तो उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया बाहर कि देश में लोगों को शिक्षित करना, तुम घर से बाहर निकल जाओ, तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर देंगे हम। अपनी नई नवेली दुल्हन सावित्री बाई फूले को लेकर के ज्योतिबाराव फूले निकल गए। उनके पिता ही उनके विरोध में थे। ये वैचारिक पारंपरिक लड़ाई बाबू बड़ी कठिन होती है। जो आज तक हमारा समाज ढोया, ये समाज मनवादी अधीनता ढोया, और मनवादी अधीनता से जो बाहर निकलने का प्रयास करेगा उसकी बीबी ही उस पर नाराज हो जाएगी। इसी चीज को सुनो, इसी चीज को ज्योतिबाराव फूले कहे थे, वैचारिक क्रांति और पारंपरिक परिवर्तन जो व्यक्ति करेगा उसको सबसे पहले अपने परिवार से बगावत करनी पड़ेगी। परिवार से अगर आप बगावत, परिवार की बगावत को आपने झेल लिया तो गांव से बगावत करनी पड़ेगी। गांव की बगावत को झेलेंगे तब क्षेत्र की बगावत करनी पड़ेगी, तब जिले की बगावत झेलनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के तब परिवर्तन होगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरा जीवन राजनीति किए, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो काम कर रहे हैं भारत से लेके विदेश तक लोग उनको जानने लगे। मगर सर उनके पार्टी के ही जो कुछ विधायक हैं उनका विरोध कर रहे हैं, क्यों? तो ये देखिए ना कि वो जो पार्टी के विधायक जो विरोध कर रहे हैं वो कितनी समझदार है। वो जितनी विधायक विरोध कर रहे हैं वो सब मनवादी मानसिकता के गुलाम होंगे, वो सब दुर्गा काली भगवान भगवती को पूजने वाले होंगे, उनके अंदर तर्क की क्षमता नहीं होगी, वो सब ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग होंगे, वही उनके विचारों का विरोध कर रहे हैं। हम तो नहीं करते, हम इसलिए नहीं करते कि हमको जानकारी है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आज जितनी बड़ा नाम पूरे भारत में खड़ा है, चार बार मंत्री रहे नहीं कोई जानता था, उत्तर प्रदेश में लोग जाने, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध पेरियार की जो बात कर रहे हैं, जो धर्म ग्रंथों की सच्चाई को सामने ला रहे हैं, जो इनके धर्म की परिभाषा को ला करके परिभाषित किए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के क्वालिटी का यही जन अंदाज चल गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत तेज नेता हैं, सामाजिक नेता हैं, समाजवादी नेता हैं, और जनमानस के लिए, जनहित के लिए लड़ने के लिए ताकत बड़ी है उनके पास। तो मैं धन्यवाद करता हूं इस बिंदु पर भाई अपने अखिलेश यादव जी का और पूरे समाजवादी नेताओं का। ढेरों में फुकसत हो या भातवन नहीं, भात जब बारवा चाउर को बना ला तो फुस फुस करा ला, ढेर समाजवादी नेता फुसकत हुई वही तरह कि गयल होता तो हम हनो गयल हुई जैता वहां पेड़ा था। मैं नेताजी मुलायम सिंह यादव को इतना बदनाम कर दिया गया अयोध्या मुद्दे पर, ये सब कहते थे कि मुलायम सिंह तो मुसलमान हो गए, मुलायम सिंह तो मुल्ला हो गए, लेकिन मुलायम सिंह यादव देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, उस समय देश के कानून का सबसे बड़ा रक्षा अगर कोई करने वाला नेता साबित हुआ तो मुलायम सिंह यादव हुए। उसी समय कहा गया कि धरती और अंबर में जिसका जलवा कायम है, जो कभी ना झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। मुलायम सिंह यादव उस समय कहे थे कि जब तक मैं कुर्सी पर हूं एक परिंदा पर भी नहीं मार सकता अयोध्या में, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और मेरे शासनकाल में किसी भी हालत में संविधान और देश की कानून पर अगर आंच आ गई तो या तो इस्तीफा दूंगा और नहीं तो गोली चलवाऊंगा। किसी भी तरह से मुझे संविधान को बचाना है, देश की कानून की हिफाजत करना है। नेताजी मुलायम सिंह यादव की आवाज थी, लेकिन ढेर सफाई में फुसकत हुई हम हनो गैल हुई था अयोध्या में। बहुत लोग हमसे पूछे, हम कहे कि हम गधे थोड़ा हैं कि हम अयोध्या में जाएंगे। क्या है अयोध्या में? जो मानसिक गुलाम, जो मनवादी मानसिकता के पूर्ण रूप से
आधीन होंगे वही जाएंगे वहां राम से मुक्ति मांगने। हमें मुक्ति मांगना होगा तो हम संविधान पढ़ेंगे, संविधान का आर्टिकल पढ़ेंगे और आर्टिकल के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे तब हमारी मुक्ति होगी। रामायण से अयोध्या से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद करता।